पर इसी बीच में गॉडलाइक के साथ साथ यहाँ पर 7C का फाइट देखिए, यहाँ पर ग्रेनेड कर रहे थे, ग्रेनेड में ही आ गया है, खुद के ग्रेनेड में आई थिंक शायद से नॉकआउट हुए हैं स्प्रे गॉड भी। जी हाँ, उसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जॉनथन के ऊपर, जॉनथन इन 1v1 डुअल बेहतरीन फिनिशर्स। पर उसके साथ हम बात कर रहे थे गॉडलाइक गर्ल्स लाइनअप वर्सेस बॉयज लाइनअप का एक क्लैश हमें देखने को मिला था, जहां गॉडलाइक गर्ल्स लाइनअप ऑलरेडी अपने दो प्लेयर्स को गवा चुकी है। निकी हमें कुछ ही दूरी पर नजर आने वाली है, क्या उन्हें भी फिनिश करने में कामयाब हो पाएंगे ये खिलाड़ी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। बट निकी वो उनके पास शायद एक रिच का कवर रहने वाला है, और दूसरी तरफ अगर लूना की बात की जाए जो हाई ग्राउंड पर हमें देखने को मिल रहे हैं, उनकी तरफ से भी काफी बढ़िया कवर फायर किसी भी वक्त आ सकता है। बट निकी की तरफ से एक शानदार स्प्रे शैडो को नॉक किया गया और अब फिनिश भी करते हुए नजर आएंगे। आईजीएल को गवा दिया है टीम गॉडलाइक ने, और अब उनके जो सॉल्टर्स हैं वो क्या करके दिखा सकते हैं, गॉडलाइक को कुछ करना पड़ेगा। शैडो ये पहली बार नहीं है कि वो सबसे पहले डाउन एंड आउट हो जा रहे हैं, एंड इससे टीम के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव बढ़ता है आपके आईजीएल जब डाउन हो जाते हैं। आईजीएल का माइंडसेट थोड़ा अलग चलता हमें पता है, असॉल्टर्स क्या करते हैं, उनके लिए एम ड्यूल्स निकालना आसान होता है, स्प्रेज हो या फिर वो स्नाइपर डीएमआर एक्शन हो, दे कैन पुल इट ऑफ, लेकिन एक आईजीएल का टीम में बचे रहना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं लूना, वेल उनके ऊपर खतरा बन सकता है, बट इसी बीच में आप देखिए निकी का नॉकआउट जो है जीगॉड निकालेंगे और इसी के साथ साथ उनको फ्लश आउट भी करेंगे। आखिरी प्लेयर लूना 6-9 बचे हुए, नॉट लूना, वेल उनके ऊपर भी स्प्रेज लिया गया जीगॉड के द्वारा, कनेक्शन बना है लेकिन सिर्फ 25-30 एचपी का, बट क्या यहां पर लूना बच पाएंगे, यूएमपी उनके पास रहेगा, जॉनथन उनके साथ साथ आगे आ रहे हैं, उनके साथ ये एम ड्यूल जीतना आसान नहीं रहेगा लूना के लिए। लेकिन देखिए दूर से जीगॉड भी कवर दे रहे हैं, एंड हमें देख रहा था निचली एरियाज में नियो भी आगे आ रहे थे, सो यहां से लूना का बचना काफी मुश्किल रहेगा। बट जॉनथन आगे जा रहे, बहुत बहुत एक बोल्ड मूव रहेगा, ऑलरेडी स्पॉट किया गया, दोनों तरफ से घेर के डाउन किया, शैडो के लॉस के साथ साथ 4 फिनिश पॉइंट्स यहां पर गॉडलाइक की टीम लेके फिलहाल टॉप 14 में आते हुए। अभी के लिए टॉप 14 टीम्स के अंदर गॉडलाइक आपको जरूर देखने को मिलेगी, बट उन्होंने अपना एक प्लेयर भी इस फाइट के दौरान गवा दिया है। पर शुरुआत में ही 4 फिनिशर्स अर्जित करने से कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट रहेगा इस टीम का, बट आगे चलकर और भी फाइट्स में इन्वॉल्व होती हुई गॉडलाइक नजर आएगी, और उस दौरान इन्हें 3v4 सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। बट अभी के लिए सर्कल की तरफ फोकस की जाए तो सर्कल से 109 मीटर की दूरी अभी भी बनी हुई है, तो जल्द से जल्द सर्कल के अंदर पहुंचना इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इस मैप को इतना छोटा एक जो है ना रूप दिया गया है कि किसी भी मोमेंट पे आप ये स्प्रेज दे रहे हैं थर्ड पार्टी होने के आपके ऊपर चांसेस रहेंगे। रॉकस्टार फिलहाल के लिए थोड़ी सी एचपी ड्रेन करवाए हैं वो नियो की, एंड वो आगे बढ़ रहे हैं, बट हीरो के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आती है, एंड देखिए नियो वापस शिकार बन सकते हैं। जो मूव गॉडलाइक ने सबसे पहले टीयूबी के ऊपर दिखाया था वो मूव अभी दिखा सकते हैं टीयूबी के ऊपर। देखिए ग्रेनेड डाला गया है, एंड जीगॉड ने वो नॉकआउट निकाला है। नो यू डोंट प्ले द सेम ट्रिक्स, बट इसी के साथ साथ टीयूबी के सिर्फ दो ही प्लेयर्स बचे हुए हैं, रॉकस्टार एंड जादू, दोनों प्लेयर्स मिड रेंज पे ही रहेंगे। रॉकस्टार पोजीशन फिलहाल के लिए तो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, स्प्रे लिया गया, लेकिन आई थिंक ओके अच्छा खासा स्प्रे आया है जरूर नियो की तरफ से, एंड लुक्स लाइक गॉड लाइक यहां से बैक ऑफ अभी कर रहे हैं, जोन के अंदर जाना ही वो प्रायोरिटी ले रहे हैं। 700 मीटर का सफर, मतलब जोन और भी नॉर्दर्न डायरेक्शन में गया, बट जी नहीं, वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाने वाले हैं, वो बोलते हैं कि नहीं आपने एक प्लेयर को हमारे डाउन करने की कोशिश की, हम आपके वहां पे घुस के एलिमिनेशन का भी कोशिश रहेगा। बट टीयूबी आप तो गॉडल से भी तेज निकले, देखिए उनके पास एक जो है स्कूटर आई थिंक स्कूटर कहना ही सेफ रहेगा, स्कूटर है जो अवेलेबल, उसके साथ साथ सीधा आगे बढ़ रहे हैं। 450 मीटर अभी भी उनको जाना पड़ेगा, रुकना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है अभी टीयूबी के लिए, बट हाँ गेट कीपिंग सिनेरियोस भी क्रिएट कर सकते हैं वो। गेट कीपिंग सिनेरियोस क्रिएट करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं नंबर्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो अभी के लिए मौजूद नहीं है, बट फिर भी अगर आपको फिनिशर्स चाहिए आप कोशिश कर सकते हैं। बट उसी के साथ टीम गॉडलाइक उन्होंने इस मूव के साथ ये दर्शा दिया कि क्यों वो एक अग्रेसिव टीम के लिए जानी जाती है, वो किसी भी फाइट से कभी भी आपको फॉल बैक करते हुए डिसएंगेज करते हुए नजर नहीं आते, और आज भी उन्होंने वही किया। भले ही इनके एक प्लेयर कम है बट स्टिल ये उस फाइट की तरफ गए, इन्हें पता था कि सर्कल की तरफ जाना इंपॉर्टेंट है, बट इन्हें उस फाइट को कंप्लीट करना था। जॉनथन बगी के साथ नजर आ रहे हैं, टीयूबी के जो बचे हुए दो खिलाड़ी हैं वो भी हमें करीब ही नजर आएंगे, बट वो ब्रिज के करीब अपने आप को हील करने की कोशिश करते हुए, और जॉनथन वो भी जैसे ही ब्लू जोन के बाहर आए उन्होंने भी अपने आप को हील करना एक सही मूव समझा, क्योंकि कई बार रोटेशन के दौरान आपके ऊपर स्प्रेज आते हैं और उस वक्त अगर आपकी एचपी कम हुई तो आपको किसी पर डाउन किया जा सकता है। मट मार्कोस इसी सिचुएशन की मैं बात कर रहा था कि रनिंग व्हीकल पर स्प्रेज आए और अगर आपकी एचपी कम हुई तो आप डाउन आएगा टीयूबी, उनकी तरफ से दो खिलाड़ी बट नियो ओपन में डाउन किए गए। उनके पास एक चलिए कवर के नाम पर एक पत्थर नजर आ रहा है, बट पीछे शायद
उनके आसपास और भी टीम के खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने कंफर्म किया उस प्लेयर को, पर टीम गॉड लाइक वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। उन्होंने अपना एक और खिलाड़ी यहां से गवा दिया, यानी अब उनकी टीम से मात्र बचेंगे दो प्लेयर। सिर्वी है जो कि कंप्लीट बैक एंगल्स पे खेल रहे हैं, उनका पोजीशन देखकर आप मतलब सुन के थोड़ा शॉक हो सकते हैं, बट वो कैंप ब्रावो में है ऑल द वे टू द ईस्टर्न साइड। बट इसी बीच में गॉड लाइक के साथ साथ यहां पर सेवन सी का फाइट देखिए, यहां पर ग्रेनेड कर रहे थे, ग्रेनेड में ही आ गया है, खुद के ग्रेनेड में आई थिंक शायद से नॉकआउट हुए हैं स्प्रे गॉड भी। जी हां, एंड इसी के साथ साथ रिस्पांसिबिलिटी आती है जोनाथन के ऊपर। जोनाथन इन अ 1v1 ड्यूल, वेल जीत नहीं पाया, यहां पर 1v1 नहीं 1v2 था, एंड सेवन सी स्पोर्ट्स गॉड लाइक को एलिमिनेट करते हुए नजर आई बारहवें पोजीशन पे गॉडल का एलिमिनेशन। बट 6 फिनिशर्स उनके पास है तो उनको 6+1 7 अंक इस मैच से मिलने वाले हैं। Baby it's 3 AM, had you on my mind and it's not the first time we've gone through this.